खिलौने ले लो, खिलौने अच्छे अच्छे खिलौने, गाड़ी, टैंक, स्पाइडरमैन ले लो सस्ते में खिलौने ले लो। वही देखो कितना अच्छा स्पाइडरमैन, मुझे भी दिला देना बहन। हाँ भाई ले लो ना, आपके लिए बहुत सारे खिलौने मेरे पास। और ना ऐसा स्पाइडरमैन ना दुकान पर बहुत महंगा मिलता है, मैं तो तुम्हें बहुत सस्ते में दे रही हूँ। ओए हमें ना ज्यादा ज्ञान मत दे, हमें पता है कौन सी चीज कहाँ से लेनी होती है। तू रोड पर दुकान लगा के हमसे कह रहे खिलौना ले ले, हमें नहीं लेना फिर से कोई खिलौना। लव हम मम्मी से कह के ना खिलौना ले लेंगे बड़ी दुकान से। चल यहाँ से। बढ़िया ही, दो कौड़ी के खिलौने हमें बेचने वाली। कितनी बंदी थी वो लड़की, पर कोई बात नहीं, कल से तो मैं भी स्कूल जाऊंगी, फिर मन लगा के पढ़ाई करूंगी। जब मैं बड़े होकर कुछ पढ़ लिख कर बन जाऊंगी ना, तब कोई मेरी गरीबी का मजाक भी नहीं उड़ाएगा। चलो अब शाम हो गई, अब घर चलती हूँ क्योंकि अब कोई खिलौने खरीदने नहीं आएगा। अरे वाह, आज तो मैं भी स्कूल में पढ़ूंगी, मेरे को तो बहुत खुशी भी हो रही है, और ना आज तो मैं अपने बहुत सारे दोस्त भी बना लूंगी। अब वही देख वही गरीब टीचर जो कल रोड पे खिलौने बेचती थी, ये क्या कर रही है हमारे स्कूल में? ओए गरीब फटी चल, तू क्या कर रही है हमारे स्कूल में? तू आज खिलौने बेचने नहीं गई? तू क्या कर रही है? पढ़े लिख के पढ़े लिखने का काम तुम जैसे अमीरों का है ना वैष्णवी? हाँ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है। तूने नहीं किया तो क्या हुआ, हम तो ऐसे ही करेंगे तेरे साथ क्योंकि तू हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती। हाँ वैष्णवी, तूने गरीब फटी चल तुम्हारे साथ नहीं पढ़ सकती, समझी? क्यों मैं क्यों नहीं पढ़ सकती स्कूल में? क्योंकि तू गरीब है और हम अमीर, और ये स्कूल अमीरों का है, समझी तू? लेकिन स्कूल में पढ़ने का अधिकार तो सबका होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। स्कूल में पढ़ने का अधिकार ना जैसे अमीरों का होता है, तू जैसे गरीबों का नहीं, और तू ना अपने खिलौने ही बेच। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप इससे मिले? ये अन्नु है, आपकी क्लास की न्यू स्टूडेंट। चलो आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बुक्स निकालो अपनी अपनी। ओए अलग हट, ये ना हमारी जगह है, हम यहाँ पर रोज लंच करते हैं, तुझे पता नहीं है? हाँ। ओए लविस देख तो क्या लाई है जामुन, पेड़ पे से तोड़ेंगे इसने। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। इंग्लिश का टेस्ट है, कल मैंने तुम सबको बताया था। यस मैम। ठीक है तो निकालो अपनी नोटबुक और स्टार्ट करो लिखना। चल इसको फंसाते हैं। हाँ लविस सही आइडिया है, मैम अन्नू ना चीटिंग कर रही है। क्या चीटिंग कर रही है? यस मैम, ये चीटिंग कर रही है। अन्नू तुम्हें पता है ना मुझे चीटिंग से ना सख्त नफरत है। नो मैम, चुप हो जाओ तुम सब। अन्नू तुम इधर आओ। यस मैम। दिखाओ मुझे। हाँ ये तुम्हारी इंग्लिश की नोटबुक है। मैम मेरे पास टेस्ट की नोटबुक नहीं है इसलिए मैं बोलती रही। नो मैम, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पीछे से पर मैम मैंने पीछे से बिल्कुल नहीं देखा था। अन्नू मैं कैसे मान लूंगी तुमने पीछे से नहीं देखा, तुम किसी पेज में भी तो टेस्ट दे सकती थी। अब तुम्हें ना इसकी पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मुझे चीटिंग से सख्त नफरत है। नो मैम मैं सच बोल रही, मैंने कुछ चीटिंग नहीं करी। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है, समझ गई तुम? चुपचाप वहाँ पर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ, अब तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं होगा, तुम्हारे टेस्ट में भी तुम्हें जीरो मार्क्स मिलेंगे, समझ गई? जाओ यहाँ से।
जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दे आपने कल भी पैसे नहीं दिया, आज तो हमें पैसे दे दो। बेटा अब मैं तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दे सकता। लेकिन क्यों भैया? बेटा मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था पर हमें बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, हम लोग रोड पे आ गए हैं। क्या भैया ये सब आप क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा, और कल से तो हमारी गाड़ी भी बिक जाएगी, कल से तो तुम्हें पैदल ही स्कूल आना होगा। हमारी गाड़ी भी नहीं रहेगी, ये सब आप क्या बोल रहे हो? बेटा मैं सच बोल रहा हूँ पर अब क्या कर सकते हैं, चलो अब चलते हैं। अरे लविस वैष्णवी, ये लड़के तुम्हारी क्लास में पढ़ती है ना? हाँ भैया। भैया एक मिनट जाओ, हम अभी आते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आना। वैसे ही हमने उसे इन्नू का कितना मजाक उड़ाया ना, देख अब हम भी गरीब हो गए, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ लविस तू सही बोल रहा है, हमें उस बिचारी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है, चल हम उससे सॉरी बोल कर आते हैं। अनु हमें माफ कर दे, हमने देखा बहुत गलत करा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, आज से हम दोस्त हैं। कोई बात नहीं, आज से हम फ्रेंड। चल कल स्कूल में मिलते हैं, बाय बाय बाय। मांगी अपनी दोस्त से माफी। भैया आपको कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है, जिस दिन मैं तुम्हें स्कूल लेने गया था मैंने तुम्हें उस बच्ची का मजाक उड़ाते हुए देख लिया था, कैसे तुम उस बच्ची की गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, बस उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि तुम्हें तो सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि हम गरीब हो गए हैं ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। आगे से किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाना। ठीक है भैया, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। चलो अब चलते हैं।